जनपद में हुए त्रिस्तरीय पंचायत के उपचुनाव की मतगणना के बाद सभी परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें 6 ग्राम प्रधानों को जीत के बाद उनका प्रमाण पत्र भी दे दिया गया है। सोमवार को हुए मतगणना में विकास खंड भठट के हरपुर से कुसुमावती देवी, जंगल कौड़िया से अहिरौली से अभय यादव, बड़हलगंज के बेली से रणविजय यादव, वजैदपुर से सरिता देवी, पिपरौली के मिसरौलिया से विभा दुबे, पिपराइज के बरईपुर से जग्गी देवी विजयी घोषित हुई हैं। गौरतलब है कि सोमवार को सुबह 8 बजे से 18 ब्लॉक मुख्यालयों पर मतगणना शुरू हुई और 2 बजे तक सभी पदों के परिणाम घोषित हो गए हैं, जिसके संबंध में जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि जनपद के 6 ग्राम प्रधान, 6 क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं ग्राम पंचायत सदस्य के 191 पदों के उपचुनाव संपन्न हुए हैं और सभी के परिणाम आ गए हैं। मतगणना के बाद जल्द ही 433 ग्राम पंचायतों का गठन भी हो सकेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया। गोरखपुर में कुल 4496 ग्राम पंचायत सदस्य, 7 प्रधान सदस्य और 9 बीडीसी सदस्य के लिए उपचुनाव होना था। उसमें से ज़्यादातर ग्राम पंचायत सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो गए नामांकन वापस लेने की तिथि के बाद, और अंत में कुल 191 ग्राम पंचायत सदस्य, 6 ग्राम प्रधान और 6 बीडीसी मेंबर्स के लिए चुनाव हुआ। 1 बीडीसी मेंबर का चुनाव स्थगित हो गया कुछ कारणों से चुनाव आयोग के आदेश के मद्देनज़र। आज उसकी मतगणना थी, 12 जून को मतदान हुआ था, तो सुबह से मतगणना आरंभ हो गई थी और देर दोपहर तक मतलब सभी सीटों के की मतगणना समाप्त हो गई और रिजल्ट आ गए हैं। तो जितने भी जगह पे मतदान हुआ था 191 ग्राम पंचायत सदस्य, 6 ग्राम प्रधान और 2 और 6 बीडीसी मेंबर्स, सबके परिणाम आ गए हैं और 2 बीडीसी मेंबर्स निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, 1 प्रधान जो बरई पार सरदार नगर की हैं उनकी मृत्यु के बाद उनकी पुत्री जो खड़ी हुई थी वो भी निर्विरोध कंचन यादव निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं, और 44,196 जो थे उसमें से 191 छोड़ करके बाकी सभी ग्राम पंचायत निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे। अब जो 431 ग्राम सभा जिसका गठन नहीं हुआ था उसका गठन हो जाएगा और सभी ग्राम पंचायतें सुचारू रूप से कार्य करेंगे, और जो भी प्रधान अभी शपथ नहीं ले पाए थे ग्राम पंचायत सदस्यों की कमी की वजह से या उनकी मृत्यु हो गई थी, वो सभी जिस भी दिन शासन के द्वारा तिथि निर्धारित की जाती है उस दिन वो सभी शपथ ले लेंगे।